यदि आपके शरीर में कोई गांठ हो जो बाद में कैंसर बन जाए और आपको पता चल जाए कि हाँ आप शरीर में कैंसर हो चुका है, तो क्या पता चलने से कैंसर खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा, उस गांठ को ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा, एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी पड़ेगी घाव को सुखाने के लिए, इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ेगी। कहने का मतलब, जिस तरीके से बीमारी का पता चलने से बीमारी खत्म नहीं होती, उसी तरीके से अब जब केरल स्टोरी आ चुकी है और धर्मांतरण कैसे कैसे होता है पूरा डिटेल दिखा दिया है, सबको पता चल गया है, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुकेगा जब तक कि नियम कानून नहीं बदले जाएंगे। कैंसर कहां से शुरू होता है? जब तक उसका इलाज नहीं होगा तब तक कैंसर नहीं रुकेगा। धर्मांतरण कहां से सिखाया जाता है, कैसे शुरू होता है, क्या क्या उसके लिए तरीके हैं, जब तक उसको नहीं रोका जाएगा तब तक धर्मांतरण नहीं रुकेगा। आप एक केरला नहीं 10 केरला स्टोरी बना लीजिए। अगर नियम कानून नहीं बदलेंगे तो आज केरला स्टोरी बनेगी, कल बंगाल स्टोरी बनेगी, परसों झारखंड स्टोरी बनेगी, नर्सों जो है पंजाब स्टोरी बनेगी, ऐसे फिल्में बनती रहेंगी। धर्मांतरण नहीं रुकेगा, धर्मांतरण रोकने के लिए नियम कानून बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं सरकार से, देश के सभी सांसदों से और विधायकों से, आप गंभीरता के साथ इस पर चिंतन करिए धर्मांतरण कैसे रुकेगा। मेरा यह मानना है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदले बिना धर्मांतरण रुक ही नहीं सकता। जहां एक स्कूल में नफरत सिखाई जा रही हो, वो सब बातें सिखाई जा रही हैं जो केरला स्टोरी में दिखाई गई हैं, कैसे रुक जाएगा धर्मांतरण? धर्मांतरण रोकना है, एक देश एक शिक्षा संहिता, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू करिए। वन नेशन वन सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है वन नेशन वन एजुकेशन कोड। 555 मॉडल शुरू करिए स्कूलिंग का। 555 का मतलब 5 साल का प्राइमरी, 5 साल का सेकेंडरी, 5 साल का ग्रेजुएशन। 5 साल के प्राइमरी में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी मत पढ़ाइए, 5 साल की प्राइमरी में केवल और केवल वेद पुराण गीता रामायण पढ़ाइए। साडे यूट्यूब चैनल नू सबसक्राइब करो।